आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का लड्डू महाराष्ट्र स्टाइल में, और ये हमारी आंटी हैं जो बना रही हैं। चलिए बोलिए। रवा 1.5 किलो, शक्कर 1.5 किलो। अच्छा मैं बोलती हूँ। अच्छा लेना सूजी, लेना है 1.5 किलो सूजी है। ये देखिए सूजी, सूजी को अच्छे से भून लिया गया है। देखिए इसको अच्छे से भून लीजिए, थोड़ा सा घी में लेके फ्राई कर लीजिए 1.5 किलो सूजी। और उसके लिए चाशनी बनाना है। चाशनी के लिए अगर 1.5 किलो सूजी है तो 1 किलो चीनी है, और 1 से 1.5 गिलास पानी है। और देखिए इसको अच्छे से मिक्स होने के बाद चाशनी ऐसा होना चाहिए, मतलब देखिए ये सिर्फ चिपचिपा होना चाहिए, तार नहीं बनाना है, सिर्फ ऐसे चिपकना चाहिए, बस गाढ़ा हो जाएगा। अभी थोड़ी देर और चाशनी बनेगा क्योंकि थोड़ा हल्का चिपचिपापन है। ये देखिए, ये देखिए ऐसा तार नहीं, सॉरी, ऐसा चिपचिपापन होना चाहिए। और हमने हमने सूजी में हमने सूजी में नारियल का बुरादा मिक्स किया है, उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भून पीस के वो मिक्स किया है। अब हम वो जो चाशनी है जो कि रेडी है, एक बार मैं फिर दिखाती हूँ। देखिए सिर्फ ऐसा चिपचिपापन आना चाहिए। अब ये चाशनी जो है गरम गरम वो सूजी में डालेंगे और उसको मिक्स करते रहेंगे। देखिए किस तरीके से करना है, ये नए स्टाइल में बना सूजी का लड्डू है। होली आ रहा है, सब ट्राई कीजिए। देखिए ये महाराष्ट्र स्टाइल है सूजी का लड्डू। अच्छे से मिक्स कीजिए, एक बार में चाशनी नहीं डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, मिक्स कर दीजिए, फिर देखिए थोड़ा थोड़ा डालिए। इसको प्रॉपर मिक्स करना है, क्वांटिटी पे ध्यान दीजिएगा। अगर 1.5 किलो सूजी लिया है उसको अच्छे से घी में भून लीजिए, भून के बर्तन में निकाल लीजिए। फिर 1 किलो चीनी, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा चीनी ले लीजिए, उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालिए और अच्छे से मिक्स करते रहिए लो फ्लेम पे, ताकि वो नीचे लगे ना। एंड देखिए इसको मिक्स कीजिए प्रॉपरली, आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये चाशनी उस सूजी में मिक्स हो रहा है। इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा नारियल का बुरादा जो होता है घसा हुआ वो डाल दीजिए, और फ्लेवर आता है इससे। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए कैसा है। ये देखिए अब आप देखेंगे कि सूजी उसमें अच्छे से मिक्स हो रहा है। होली आ रहा है, आप लोग ट्राई कीजिए, बनाइए। बट याद रखिए इसके लिए एटलीस्ट 2 लोग साथ रहेंगे, 2 या 3 लोग तो जल्दी बनेगा, क्योंकि इसको गरम गरम ही स्टार्ट करना होगा लड्डू बनाने के लिए। देखिए अच्छे से मिक्स करना है, ये नहीं कि बस डाल के हल्का मिक्स, प्रॉपर मिक्स करना है। एंड अब लड्डू बनने के लिए रेडी है। एक प्लेट अभी रुकना है क्या? हाँ। इसको मिक्स करते रहिए ताकि थोड़ा सा ठंडा, हल्का ठंडा, ज्यादा ठंडा नहीं।
उसको मिक्स करते रहिए कि हल्का ठंडा हो जाए, तो उसको लड्डू बनाएंगे। चलिए ये देखिए, सॉरी हाँ, गरम गरम नहीं बनाना है, उसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, और जब वो ठंडा हो जाए आपको देखने में पता चलेगा। देखिए ये गरम, ये देखिए ये जब ये ऐसा ये देखिए ऐसा होगा ना, ये देखिए इतना अच्छा लड्डू बनेगा। ठंडा होने पे ये अच्छे से मिक्स होने लगेगा, तब आप सान के देखेंगे, मिक्स करके देखेंगे, तो ये देखिए लड्डू बनता है। मैंने सिर्फ छोटा सा बनाया अभी, ये देखिए इस तरीके से लड्डू बनाना है। और ये आप लड्डू 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं और खा सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। टेस्ट करके देखो। चलिए मैं एक बार ये ट्राई करके देखती हूँ। बहुत टेस्टी है। चलिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ।